नमस्कार मित्रों, मैं मोहित शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है विवाह में शुभ मुहूर्त कैसे देखा जाता है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को विवाह मुहूर्त देखना सिखाऊंगा कि शुभ विवाह मुहूर्त कैसे देखते हैं। आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल आसानी से विवाह का मुहूर्त देखना सीख जाएंगे और अपने किसी भी निजी का शुभ विवाह मुहूर्त निकाल करे बता देंगे। मित्रों, विवाह मुहूर्त निकालने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता, बस आपको जिसके लिए विवाह का मुहूर्त निकालना है उन दोनों का वर और कन्या का नाम पता कर लेना है। दोनों का नाम जानकर आपने एक कुंडली बना लेनी है और वर और कन्या के नाम की राशि का पता करना है। राशि पता करके आपने कन्या की राशि से गुरु बल और चंद्र बल देखना है और वर की राशि से आपने सूर्य बल और चंद्र बल देखना है। मित्रों, कन्या की राशि से गुरु बल और चंद्र बल देखना है और वर की राशि से सूर्य बल और चंद्र बल देखना है। चंद्र बल दोनों की राशि से देखा जाएगा। राशि पता करके आपने कुंडली में ये पता करना है कि गुरु देवता कौन सी राशि में बैठे हैं और चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हैं, तो कन्या के राशि का पता करना है। हमने ये एक कुंडली बनाई है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दस, ग्यारह, बारह, ये हमने बारह घर की एक कुंडली बनाई है। इसमें गुरु देवता को देखते हैं कि कौन से स्थान में शुभ होता है और कौन से में अशुभ होता है। ये मान लेते हैं कन्या की राशि मेष राशि है, मेष राशि से हमने गुरु को देखना है कि गुरु कौन से स्थान में बैठा है। गुरु बल निकालने के लिए आपने कुंडली के राशि से कुंडली में देखना है कि कौन से स्थान में गुरु देवता बैठे हैं। अगर राशि से दूसरे स्थान में, पांचवें स्थान में, सातवें स्थान में, नौवें और ग्यारहवें स्थान में गुरु देवता बैठे हो तो विवाह का मुहूर्त शुभ होता है। और दोस्तों, अगर राशि से पहले स्थान में, तीसरे स्थान में, छठे स्थान में और दसवें स्थान में गुरु देवता बैठे होंगे तो गुरु देवता पूजा का होता है। इसमें आपने पूजा करके ही विवाह किया जाता है, मतलब पूजा करके ही आपने विवाह करना है, अन्यथा पूजा किए बिना विवाह का मुहूर्त शुभ नहीं हो सकता। इसमें पूजा का ही विवाह होता है। उसके बाद अगर चौथे स्थान में, आठवें स्थान में और बारहवें स्थान में गुरु देवता बैठे हैं तो बिल्कुल अशुभ होता है, इस समय विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार चंद्रबल देखा जाता है। अगर कुंडली में चंद्रबल कन्या की राशि से चंद्रमा अगर चौथे स्थान में, आठवें स्थान में और बारहवें स्थान में बैठा होगा तो चंद्रमा अशुभ होता है, ऐसी स्थिति में विवाह करना अशुभ होता है। और दोस्तों, बाकी सभी स्थानों में चंद्रमा शुभ होता है। चंद्रबल वर और कन्या दोनों की राशि से देखा जाता है, बस चार और आठ और बारह इन तीन स्थानों में ही अशुभ होता है, बाकी सभी स्थानों में शुभ होता है। आप चंद्रमा की स्थिति को देख कर विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद सूर्य बल को देखना है। वर की राशि से, वर की कोई भी राशि हो सकती है, तो राशि से आपने सूर्य बल को देखना है। सूर्य देवता को देखना है कि राशि से कौन से स्थान में बैठा है। अगर तीसरे स्थान में सूर्य देवता बैठा है और छठे स्थान में, दसवें स्थान में और ग्यारहवें स्थान में सूर्य देवता बैठा है तो विवाह करना शुभ होता है, उस दिन विवाह का शुभ मुहूर्त होता है। अगर पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, पांचवें स्थान में, सातवें और नौवें स्थान में सूर्य देव बैठा है तो विवाह का मुहूर्त शुभ नहीं होता, पूजा का होता है, मतलब पूजा करवाकर ही विवाह कर सकते हैं। उसके बाद चौथे स्थान में, आठवें स्थान में और बारहवें स्थान में सूर्य देव बैठा है तो बिल्कुल अशुभ होता है।
अगर ऐसी स्थिति में सूर्यदेव बैठे हो तो उस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार विवाह का मुहूर्त देखा जाता है। अब कुंडली में देखते हैं कि कन्या की राशि से कैसे शुभ विवाह मुहूर्त निकालते हैं। तो ये 12 घर होते हैं। हम मानते हैं कि कन्या की राशि मेष है। अब मेष राशि से अगर गुरु देवता चौथे स्थान में गुरु देवता बैठे हैं तो विवाह करना बिल्कुल अशुभ होगा। अगर अष्टम स्थान में भी गुरु देवता बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में भी विवाह करना बिल्कुल अशुभ होगा। इसके बाद 12वें स्थान में गुरु देवता बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में भी विवाह करना बिल्कुल अशुभ होगा। अगर गुरु देवता मेष राशि से दूसरे घर में और 5वें घर में और 7वें घर में और 9वें घर में और 11वें घर में गुरु देवता बैठे होंगे तो विवाह करना बिल्कुल शुभ होता है। ऐसी स्थिति में आप विवाह कर सकते हैं क्योंकि उस दिन विवाह का शुभ मुहूर्त होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर पहले घर में गुरु देवता बैठे होंगे तो पूजा का होता है। ये मैंने यहाँ पर लिख कर बता दिया है कि कौन से स्थान में गुरु देवता बैठे होंगे तो पूजा करवानी होती है और किन किन स्थानों में बैठने से शुभ होता है और किन स्थानों में बिल्कुल अशुभ होता है। दोस्तों, गुरु बल देखने के लिए उसका उच्च आदि गुरु का फल देखना जरूरी होता है। इसमें मित्रों, अगर गुरु देवता उच्च का हो या अपने घर का हो या वर्गोत्तम भोग का हो या मित्र के घर का हो या नवांशक में हो तो 4, 8, 12 वाला दोष मिट जाता है। अगर इन स्थानों में, मतलब गुरु देवता उच्च के स्थान में उच्च की राशि में बैठा हो या अपनी खुद की राशि में बैठा हो या अपने किसी मित्र की राशि में बैठा होगा या वर्गोत्तम का हो या नवांशक में हो तो 4, 8, 12 वाला दोष मिट जाता है। ये 4, 8, 12 वाला जो अशुभ दोष होता है यह दोष बिल्कुल मिट जाता है। दोस्तों, ग्रह ऊंच नीच की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप उसमें जाकर देख लेना कि कौन सा ग्रह किस राशि में ऊंच का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार विवाह का मुहूर्त आप देखना सीख जाएंगे और अपने किसी भी निजी रिश्तेदार का शुभ विवाह मुहूर्त देख कर आप खुद ही बता देंगे कि किस दिन विवाह करना शुभ रहेगा और किस दिन अशुभ रहेगा, किस दिन विवाह करने से शुभ फल मिलेगा, किस दिन विवाह करके पूजा करनी होगी और किस दिन अशुभ विवाह रहेगा, उस दिन बिल्कुल ही नष्ट होता है, यह आप अपने आप ही खुद कुंडली देख कर पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम दोस्तों।